क्लास में हम लोग पढ़े थे पंप। पंप में क्या होता है, एक तो सक्शन पाइप होता है जिधर से पानी पंप में प्रवेश करेगी, ये आपका पंप हो गया। और पानी जिस पाइप में आती है वहां पे जिसमें पानी रहता है, जैसे पानी जैसे अगर धरती के अंदर आ रहा तो धरती के अंदर एक सम्प रहेगा, अगर नदी और नाले से पानी ले रहा है तो उसमें जहां से भी पानी आएगा उसे सम्प कहते हैं। सम्प हुआ जगह होती जहां पे पानी रहता है, वहां से हमें जहां पे उठाना। सम्प में एक वाल्व लगा रहेगा जिसे सक्शन वाल्व कहते हैं, जैसे कि पंपिंग सेट में सक्शन वाल्व लगाता है सेम वैसे ही सक्शन वाल्व होता है। और उसमें स्टेनर लगाता है, स्टेनर मतलब होता है छननी, पानी को छानने का काम करता है स्टेनर। और एक वाल्व लगा होता है आपका सक्शन पाइप में, एक वाल्व लगा होता है डिलीवरी पाइप में। दोनों वाल्व का काम होता है अगर पानी को हमें बंद करना सप्लाई को तो बंद कर देते हैं। अब पंप का काम क्या होता है, पंप क्या करता है कि पानी के दाब को इतना बढ़ा देता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो करने लगता है। पंप क्या करेगा, जो यहाँ पे प्रवेश पानी रहेगा वहां पे दाब कम कर देगा, तो यहाँ से पानी क्या करेगा, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बहने लगेगा। और यहाँ पंप में जैसे ही प्रवेश करेगा तो पंप उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे देगा अपनी तरफ से, वह एनर्जी लेके पंप ऊपर की तरफ उठ जाएगा। पंप क्या करता है, अपनी एनर्जी पानी को दे देता है या द्रव को दे देता है। तो पंप का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होता है, द्रवीय ऊर्जा या द्रव ऊर्जा, यही काम होता है पंप का। पंप कल बेसिक पढ़ चुके थे, आज क्लासिफिकेशन पंप का देखते हैं। पाइप सॉरी पंप बहुत तरह के हो सकते हैं, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरूरत के हिसाब से, जैसे कि अगर खेतों में यूज करना तो अलग पंप रहेगा, इंडस्ट्री में अलग पंप रहेगा, आपके घर में अलग पंप रहता है, जरूरत के हिसाब से कई सारे पंप होते हैं, सबका अलग अलग यूज है। पंप का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए पंप जो है कई तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण करने का कई आधार हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो ऊर्जा कैसे हम ले रहे हैं पंप में, कैसे ऊर्जा को प्रदान कर रहे हैं उसके सिद्धांत पर। तो पंप दो प्रकार का होता है, ऊर्जा प्रदान करने की विधि क्या है, ऊर्जा प्रदान करने की विधि के आधार पर पंप दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक विस्थापन पंप, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दूसरा होता है गतिज दाब पंप, जिसे कहते हैं डायनेमिक प्रेशर पंप, यानी ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर पंप दो प्रकार के, पहला धनात्मक दूसरा गति दाब। आप कई आधार पे कर सकते हैं, स्पीड के आधार पे कर सकते हैं, पावर के हिसाब पे कर सकते हैं, डिजाइन के हिसाब से कर सकते हैं, उपयोग के आधार से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं कि कैसे जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट होता है उसके आधार पे कर रहे हैं। एक होगा धनात्मक विस्थापन पंप, दूसरा होगा गति दाब पंप। अब धनात्मक भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक विस्थापन पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दो प्रकार का होता है। पहला पश्चाग्र पंप, आप पश्चाग्र संपीडक पढ़े होंगे, सेम वैसे ही होता है पश्चाग्र पंप, या उसे प्रत्यागामी पंप भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। तीनों एक ही चीज है,
रेसिप्रोकेटिंग कहिए या पश्चाग्र कहिए या प्रत्यागामी कहिए, तीनों एक ही बात है। सेम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह ही होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, बस वहां पे हवा थी यहाँ पे पानी या द्रव हो। एक होता है घोड़ी या रोटरी पंप, कंप्रेसर पिछले सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे तो वहां भी था रोटरी कंप्रेसर या घोड़ी वायु संपीड़क, सेम वैसे ही यहाँ पे होता है रोटरी पंप। अंतर पंप और कंप्रेसर में यही है, कंप्रेसर क्या करता है वायु या कोई गैस कंप्रेस करने का काम करता है और पंप किसी भी द्रव को जैसे पानी हो गया पेट्रोल डीजल इन सब को कंप्रेस करके एक स्थान से दूसरे स्थान लेने का काम करता है। घोड़ी पंप भी कई प्रकार के होते हैं जो हम आगे देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं इसके बाद सेकेंड वर्गीकरण गति दाब पंप, डायनेमिक प्रेशर पंप। यह मेनली तीन प्रकार का होता है, प्रकार से होता है। पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्री पंप भी कहते हैं, अपकेंद्री पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके सिलेबस में है, इसे पढ़ना है आगे पढ़ेंगे। फिर है एक प्रोपेलर पंप या नोदक पंप, ये भी आपके सिलेबस में नहीं, ये सिलेबस में नहीं। और तीसरा है अर्थ अच्छी यानी सेमी एक्सियल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस में बस एक तो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, दूसरा है घोड़ी पंप है और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये दोनों पंप आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, बाकी इन तीनों को पढ़ा जाएगा एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पश्चाग्र पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप, बहुत ही इजी है, आराम से आप समझ पाएंगे। समझने से पहले सबसे पहले एक एनिमेशन का वीडियो देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में होगा तो भी थोड़ा ध्यान देंगे, आराम से सुनेंगे समझ आएगा। आप लोग क्लास करते समय हेडफोन लगा लीजिए, लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, समझ ज्यादा सही आएगा, क्योंकि घर पे डिस्टरबेंस होता है, बहुत सारे आवाज आते रहते हैं, हेडफोन या ईयरफोन लगा के आप लोग पढ़े क्लास करते तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए देखिए आपके सामने जो दिख रहा है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें क्या होगा एक तो सक्शन पाइप है, यह नीचे सक्शन पाइप है, इधर से पानी प्रवेश करेगा और यह आपका पूरा पंप है यहां से लेके यहां तक, और इधर एक है डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप मतलब जो पानी को टंकी तक पहुंचाने के लिए उपयोग करने वाले करते हैं, जैसे एक होता जमीन से जो पाइप आता है जिधर से पानी प्रवेश करता है, और एक पाइप होता है जिधर से पानी पंप के द्वारा भेजा जाता है टंकी में, तो डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप होता है जो पानी को टंकी तक ले जाता है, पंप और टंकी के बीच लगा होता है डिस्चार्ज पाइप। सक्शन पाइप जमीन और पंप के बीच में लगा होता है, या जहां से भी हमें द्रव या कोई भी चीज लेना है उसके बीच जो पाइप होता है उसे सक्शन पाइप कहते हैं। सक्शन पाइप होता है जहां से द्रव पंप में प्रवेश करता है, डिस्चार्ज पाइप होता है जहां से द्रव पंप से निकलता है। अब एनिमेशन देखिए और सबसे पहले बता दें थोड़ा सा, ये आपका है पिस्टन और सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन ये दिख रहा होगा, ये है बाहर सिलेंडर, जैसे कि टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में था पिस्टन सिलेंडर सेम वैसे ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रैंक, ये तो क्रैंक शाफ्ट बीच में है, उसके ऊपर लगा हुआ है क्रैंक, यह क्रैंक है जो क्या करेगा पिस्टन को चलाने का काम करेगा। और क्रैंक को चलाने के लिए तो मोटर से चलाइए या फिर पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन से चलाइए। जैसे एनिमेशन देखिए,
कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड विच इज कम्स इन वेरियस वराइटीज सच एज पिस्टन टाइप पंप, डायफ्राम टाइप पंप एंड प्लंज टाइप पंप। दिस टाइप ऑफ पंप इज सुटेबल वेयर द लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू बी। देखिए कह रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो हाई प्रेशर यानी जहां पे उच्च दाब हमें जरूरत होती है, जैसे हम जब कंप्रेसर पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था, दिस पंप कंप्रेसर पढ़े थे वहां पे बताया गया था कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं, जहां पे द्रव को हाई प्रेशर पे चाहिए, हाई प्रेशर पे जहां पे द्रव या आपका हवा हाई प्रेशर पे चाहिए वहां पे रेसिप्रोकेटिंग यूज होता है। अगर हवा है तो कंप्रेसर हो जाएगा, पंप है तो क्या हो जाएगा आपका पानी या द्रव हो जाएगा। और लो वॉल्यूम यानी कम, यहाँ से जो पानी जाएगा वो बहुत कम मात्रा में जाएगा लेकिन उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। जब पंप इसको पंप करके भेजेगा तो पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी लेकिन उसका दाब बहुत ज्यादा रहेगा जिसके कारण वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। जितना ज्यादा दाब रहेगा उतना ज्यादा वो ऊंचाई तक जाएगा। हाई प्रेशर और हाई हेड, हेड मतलब हाई, हेड मतलब हाई बहुत ऊंचाई तक जाता है पानी, जहां पे बहुत ऊंचाई या बहुत गहराई से पानी निकालना होता है वहां पे आपका ये क्या कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज होता है। बॉयलर में पानी को भेजने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर पे भेजना होता है, बॉयलर हमेशा हाई प्रेशर पे काम करता है। अब बॉयलर के अंदर हमें पानी भेजना होगा तो हाई प्रेशर पे भेजना होगा, तो बॉयलर में जो पंप लगा होता है यही पंप लगा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। आपके घरों में जो पंप लगा हुआ है हैंड पंप जो आप हाथों से चलाते हो भी एक रेसिप्रोकेटिंग पंप ही है, जो हाथों से चलता है उसमें जो प्लंजर लगा होता है ना ऊपर नीचे होता है यानी रेसिप्रोकेट करता है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन या पश्चाग्र मोशन। The low volume of flow and pressure is required to be high. This pump consists of suction pipe, suction valve, delivery pipe, delivery valve, cylinder, piston and connecting rod assembly, strainer and air vessel. इसमें देखिए सारे पार्ट बताया जा रहा है कि क्या-क्या है। यहाँ पे देखिए पिस्टन बचा, पिस्टन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पिस्टन है या सिलेंडर है या क्रैंक शाफ्ट है या कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड किसके किसके बीच में होता है, एक क्रैंक और पिस्टन के बीच में होता है, और जो क्रैंक शाफ्ट को ढका रहा था उसे आउटर फेसिंग कहते हैं। सक्शन पाइप लगा रहेगा, चेक वाल्व, चेक वाल्व देखिए चेक वाल्व जहां से पानी प्रवेश करता है वहां पे एक वाल्व लगा रहता है जिसे कहते हैं चेक वाल्व। वो ऐसा वाल्व होता है कि वो पानी को नीचे की तरफ नहीं जाने देगा, सिर्फ पानी ऊपर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। वन सिर्फ पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। आपके नल में भी एक वाल्व लगा होता है जो सबसे नीचे लगा होता है, वह पानी को सिर्फ ऊपर की तरफ आने देता है, नीचे की तरफ नहीं आ जाता। जो घर में आपके पंप में हैंड पंप में वाल्व लगा होता है उसमें भी पानी सिर्फ ऊपर की तरफ आ सकता है, नीचे की तरफ नहीं आ सकता। अगर नीचे की तरफ जाने लगता है तो आपका पंप खराब हो जाता है यानी उसमें कहते हैं कि पानी भागने लगा। यही चेक वाल्व होता है जो पानी को भागने से रोकता है। अगर पानी नीचे जाने लगा रहेगा तो यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, जब पानी खत्म हो जाएगा तो नल चलेगा ही नहीं, जब तक पानी भरा रहेगा तभी। इसीलिए जब पंप को चालू करते हैं तो हमेशा जो होता है वो पंप को सबसे पहले प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग का मतलब पूरे पंप को पानी से भरते हैं। प्राइमिंग एक टर्म है जिसका मतलब यही होता है कि पंप को सबसे पहले पानी से या द्रव से भरो। अगर पंप नहीं भरेगा तो चलेगा ही नहीं। जैसे नल में आपके पानी नीचे चला जाता है तो पंप आपका नल चलता नहीं है, सबसे पहले उसमें पानी डालते हैं फिर चालू करते हैं, वैसे ही पंप में सबसे पहले प्राइमिंग करते हैं। Suction pipe connects the source of liquid to the cylinder.
the liquid is sucked by the pipe from the source to the cylinder. Suction valve is non-return valve, which means only one direction flow is possible in this type of valve. Suction valve placed between cylinder and delivery pipe outlet. It is closed. देखिए एक होता है सक्शन हेड. सक्शन हेड का मतलब ये होता है कि पंप के सेंटर से जहां से पानी उठा रहा है उसके बीच की दूरी, उसे कहते हैं सक्शन हेड. यह देखिए सक्शन हेड है. सक्शन हेड क्या हुआ, जहां से पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है और पंप के सेंटर तक, इसे कहते हैं सक्शन हेड, जिसे एचएस एच और स्मॉल एस डिनोट करते हैं. एक होता है डिलीवरी हेड, जिसे एच डी से डिनोट करते हैं. Closed position during suction and it is opened up position during discharge of liquid. This pump works on principle of single cylinder crank mechanism. Cylinder is used to suck water and delivers it to the desired location. The piston executes reciprocating motion within a cylinder. Piston is connecting to the crankshaft through connecting rod. An external power source is used to drive the piston within the cylinder. As the piston moves backward, it sucks the liquid in the cylinder, and when it moves forward, it delivers the water from the cylinder to the required location. During suction stroke, the piston moves backward and opens the suction valve, making the water enter into the cylinder. During suction, the delivery valve remains closed and no water is discharged through it. After suction stroke, the piston moves forward. During delivery valve gates open and suction valve comes into closed position. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब पानी जब पंप को चालू करते हैं तो क्या होता है, यहां से नीचे से सबसे पहले पंप को चालू करेंगे तो पिस्टन आगे पीछे होना चालू है, पीछे जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, यानी आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, पिस्टन इधर जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर हो जाएगा. लो प्रेशर यानी निम्न दाब हो जाएगा और इधर पानी के अंदर उच्च दाब रहेगा तो पानी इधर अंदर की तरफ प्रवेश करने लगेगा. तो ये वाल्व खुल जाएगा, प्रवेश वाल्व जो रहेगा वो खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर, पानी अपने आप बहने लगेगा और उसके बाद ये पूरा पानी सिलेंडर के अंदर भर जाएगा. ये इसे कहते हैं सक्शन स्ट्रोक. सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पानी पूरा भर जाता है. अब एक होता है डिलीवरी स्ट्रोक. डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि पानी राइट पंप जो है सॉरी पिस्टन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना शुरू करेगा. जैसे पिस्टन इधर की तरफ मूव करता है इधर का दाब बढ़ने लगता है, बढ़ेगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये हमेशा पानी को ऊपर की तरफ आने देता है, नीचे की तरफ नहीं जाने देता है. तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा और यह वाला वाल्व खुल जाता है, जिसे कहते हैं डिलीवरी वाल्व. तो जैसे जैसे पिस्टन इधर आता है पानी का दाब बढ़ते जाता है और पानी ऊपर की तरफ जाने लगता है. और जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखिए पंप यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है, इस वजह से पानी क्या है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी पिस्टन है जो पॉजिटिव मूव कर रहा है, कुछ कदम चल रहा है, इस वजह से पानी क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है या पंप हो रहा है, इसीलिए इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा पिस्टन कुछ धनात्मक दूरी चल रहा है, पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से पानी जब पंप होता है इस वजह से इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं. एक बार दोबारा बता देते हैं, देखिए जब हम पंप को चालू करेंगे तो पिस्टन हमारा सबसे पहले तो क्रैंक नाचेगा, क्रैंक नाचेगा तो पिस्टन भी आगे पीछे होने लगेगा ऐसे ऐसे. तो सक्शन स्ट्रोक होता है, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है पिस्टन इस डायरेक्शन में जाएगा यानी लेफ्ट से राइट की तरफ.
सिलेंडर में क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा खाली, खाली होगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर यानी निम्न दाब बनेगा, और सक्शन पाइप में पानी उच्च दाब पे रहेगा यानी सक्शन पाइप में हाई प्रेशर हो जाएगा और इधर लो प्रेशर, यानी इधर लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर। और आपको पता है कि पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है पानी या द्रव ऊपर की तरफ बहना चालू हो जाता है। जब पानी ऊपर की तरफ बहता है तो ये डिलीवरी वाल्व उस समय बंद रहता है, सक्शन स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व बंद रहता है, पानी सिर्फ आता है और पूरे सिलेंडर में भर जाता है, इधर भर जाता है। अब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, अब होगा डिस्चार्ज स्ट्रोक। डिस्चार्ज में क्या होगा, पिस्टन राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। पिस्टन जैसे जैसे धीरे धीरे, ये पिस्टन आपका जैसे जैसे इधर जाएगा तो पानी का दाब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी कंप्रेस होगा, पिस्टन जाएगा तो पानी को दबाएगा, सिर्फ पानी क्या होगा कंप्रेस होगा, उसका दाब बढ़ना चालू हो जाएगा। इधर का जब पानी का दाब बढ़ेगा तो जो आपका सक्शन वाल्व था वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उल्टा डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? वाल्व को ऐसा बनाया जाता है कि ये उल्टा डायरेक्शन में ना जाए, तो क्या होता है कि फिर आपका ये डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है। डिस्चार्ज वाल्व क्यों खुलता है, क्यों? क्योंकि आपकी इधर का पानी का प्रेशर बढ़ जाता है जो सिलेंडर के अंदर के है, और डिस्चार्ज इधर का पानी का प्रेशर थोड़ा सा इससे कम होता है, तो पानी इधर से इधर की तरफ मूव करने लगता है, और जैसे जैसे पिस्टन जाता है इधर आपका पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। और यह पिस्टन पानी को इतना दबाता है कि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर काम करता है, और दाब ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे पानी का दाब ज्यादा रहेगा तो पानी बहुत ऊंचाई तक जाएगा, तो यहाँ से आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो उच्च बहुत ऊंचाई तक पानी को भेजने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि ये बहुत एक बार भरेगा फिर एक बार जाएगा, ये बहुत कम पानी को मतलब भेज पाता है, इसलिए कहते हैं इसे लो डिस्चार्ज यानी कम मात्रा में पानी भेजेगा लेकिन उसका दाब और बहुत ऊंचाई तक जाएगा। अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ उपयोग करते हैं, हाई हेड के लिए या लो हेड के लिए, तो आप लोग लिखेंगे हाई हेड यानी उच्च शीर्ष के लिए, बहुत ऊंचाई के लिए। अब पूछेगा निम्न मतलब पानी की मात्रा कितना रहता है, तो आप लिखेंगे बहुत कम पानी यानी निम्न लो डिस्चार्ज रहता है। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप मान सकते हो कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह ही काम करता हो, यानी इसे वायु पश्चाग्र वायु संपीड़क की तरह ही पूरा काम करता है, बस अंतर ये रहता है कि वहां पर आपका हवा रहता था या पानी रहता था। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये धनात्मक विस्थापन प्रकार का है या मतलब नेगेटिव वाला, तो ये हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, से कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यानी धनात्मक विस्थापन पंप। क्यों? क्योंकि हमारा पंप कुछ धनात्मक दूरी चलता है तब पानी ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। अब इसका रचना देख लेते हैं, तो अभी आप फिगर में देखिए कि इसमें पिस्टन होता है, एक पिस्टन सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा, वाल्व होंगे, दो वाल्व होगा, एक एक प्रवेश पे वाल्व होगा जिससे सक्शन वाल्व कहेंगे,
और एक डिलीवरी पाइप में होगा जिसे डिलीवरी वाल्व कहेंगे। फिर आपका देखो हमेशा वाटर टाइट होता है, यानी इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, अगर लीकेज होगा तो पानी बहने लगेगा, इसलिए लीकेज वाटर टाइट रहता है, इसमें मतलब पानी भरा होना चाहिए पूरा, हवा नहीं आना चाहिए। एक होता है पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड या संयोजक दंड का ये कनेक्टिंग रॉड। फिर क्रैंक होता है, फिर प्राइम मूवर होता है। प्राइम मूवर का मतलब होता है ऐसा चीज जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए काम करे, जैसे कि मोटर हो गया, टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक इंजन हो गया, जो क्या करता है पूरे सिस्टम को चलाता है, ऊर्जा देने का काम करता है चलाने के लिए। मोटर चलाते तभी तो पंप चलने लगता है, या टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन चलाएंगे तभी ये हमारा अपने आप तो चलेगा नहीं, पंप को चलाने के लिए कहीं से ऊर्जा चाहिए, उसके लिए लगाते हैं प्राइम मूवर। यही सब चीजें होती है। और इसमें जो सिलेंडर होता है, पिस्टन सिलेंडर आप देखे हैं, सिलेंडर ढलवे लोहे का बना होता है, यानी कास्ट आयरन का बना होता है। आपके घर में भी जो नल लगा हुआ है उसमें भी कास्ट आयरन उपयोग किया जाता है, जनरली कास्ट आयरन की चीजें बनाई जाती है, क्योंकि ये एक तो वाइब्रेशन एग्जॉर्ब करता है, दूसरा इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है और सस्ता होता है थोड़ा सा। समझ आया? उसी का एक फिगर आपके सामने यहाँ पे है जो आप देख रहे थे, उसी का एक लाइन डायग्राम है। देखिए यह क्रैंक है जो गोल गोल घूमता है, क्रैंक से जुड़ा होता है आपका संयोजक दंड से जुड़ा होता है पिस्टन, या पिस्टन रॉड है जो पिस्टन, देखिए बीच में पिस्टन और यह उसके बाहर सिलेंडर है। जब पिस्टन आगे पीछे होगा तभी क्या होगा, पानी पंप होगा। और यहाँ एक होगा सक्शन पाइप, ये सक्शन पाइप है, और एक होता है डिलीवरी पाइप जिसे हिंदी में कहते हैं प्रदायक पाइप या प्रदायक, और सक्शन पाइप को कहते हैं चूसड़ पाइप। इसमें लगा होता है एक प्रवेश वाल्व और एक लगा होता है निकास वाल्व, अभी हम देखे थे पिछले वीडियो में सब कुछ दिखाया गया था, उसी का एक लाइन डायग्राम है। और यहाँ से पानी एक टंकी में है, जहां जरूरत होता वहां भेजते हैं। इसमें बस यही चीजें याद करने लायक है कि यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, यानी धनात्मक विस्थापन पंप है। दूसरा यह हाई हेड पे, यानी बहुत ऊंचाई तक पानी भेजने के लिए उपयोग करते हैं, और इसमें कम मात्रा में पानी जाता है, यही सब पूछेगा इस ऑब्जेक्टिव में। उसका एक फिगर यहाँ पे देखिए, यह सम्प है जहां पे पानी रहता है, यहीं से पानी जैसे पिस्टन में जाएगा, जैसे सिलेंडर पिस्टन, और फिर यहाँ से डिलीवरी चला जाएगा। सारे सिद्धांत भी समझ लिए हैं, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पंप का उपयोग एप्लीकेशन, जो पश्चात या रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसका एप्लीकेशन क्या करेंगे। तो जैसा कि अभी हम बताया है कि जहाँ पे उच्च शीर्ष रहेगा, यानी पानी को काफी ऊंचाई तक भेजा रहेगा, यानी हाई हेड तक, वहां करेंगे। और जहाँ पे दाब ज्यादा रहेगा, यानी 700 kg/cm, यानी बहुत हाई प्रेशर पे, और इसकी क्षमता यानी पानी बहुत कम देता है, यानी कम छपता, यानी कैपेसिटी लो होती है, वहां पे उपयोग करते हैं। देखिए बॉयलर में उपयोग किया जाता है, आपके घरों में हैंड पंप होता हुआ भी एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, बहुत जगह उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग जहाँ पे जैसे कि बहुत गहराई से कोई तेल या कुछ निकालना है, वहां पे भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है घोड़ी पंप। घोड़ी देखिए हम पढ़े थे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उस यहाँ पे
एक था धनात्मक विस्थापन पंप, दूसरा था गतिज दाब। तो पहला पड़ा धनात्मक विस्थापन पंप में प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप, यह हो गया। अब हम पढ़ेंगे घूर्णी या घूर्णन पंप या रोटरी पंप। इसमें पहला है वेन पंप, उसको देखते हैं नीचे। घूर्णी या रोटरी पंप का पहला है वेन पंप। वेन पंप आप वेन कंप्रेसर पढ़े होंगे पिछले क्लास में थर्मल में, सेम वैसे ही वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी ऐसे पढ़े होंगे। वेन पंप वेन कंप्रेसर पिछले क्लास में पढ़े होंगे, वो अभी क्या था घूर्णी संपीड़क का प्रकार था। यहाँ पे क्या है घूर्णी पंप का एक प्रकार है वेन पंप। वेन पंप बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि इसमें कई सारे ब्लेड लगे होते हैं, ऐसे एक दो तीन चार पांच छह सात ब्लेड लगे होते हैं, और एक तरफ से पानी प्रवेश करता है दूसरी तरफ से पानी निकल जाता है। और यह जो ब्लेड लगे होते हैं उसके बीच में एक स्प्रिंग लगा होता है। हम एनिमेशन से देखेंगे कल, आज तो नहीं हो पाएगा एनिमेशन क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है बीच में, यह स्प्रिंग क्या करता है कि ब्लेड को छोटा बड़ा होने में मदद करता है, ब्लेड छोटा बड़ा हो सकता है, जिससे क्या होता है कि ये ब्लेड है हमेशा यहाँ जो बॉडी होती है ना आवरण पंप का आवरण उससे हमेशा टच में रहता है ऐसे। और जब इधर देखो ये थोड़ा सा इस पंप का जो एक्सिस है ना जो शाफ्ट है वो बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा साइड में होता है। साइड में इसलिए बनाया जाता है क्यों, क्योंकि जब यहाँ देखो सेंटर तो यहाँ बीच में यहाँ है लेकिन इसको साइड में लगाया, साइड में लगाने से ही हमारा पानी पंप होता है उसका प्रेशर बढ़ता है। देखो क्या होता है जब यह पंप के ब्लेड ऐसे नाचता है तो इधर जाता है यहाँ पे प्रवेश पे, यहाँ पानी इस बीच में फंस जाएगी ब्लेडों के बीच में, इसमें क्या होता है कि ब्लेड जो है उनके बीच में पानी फंस जाता है। जब ऐसे मूव करता है ऐसे ऐसे तो जब यहाँ ऐसे ना मूव कराओ ऐसे मूव कराओ ऐसे, तो यहाँ से पानी प्रवेश करेगा और जैसे इधर जाएगा तो ब्लेड छोटा होता जाता है, ब्लेड छोटा होता है पानी का जो इसके बीच पानी होता है वो दबने लगता है। क्यों, क्योंकि इधर का एरिया देखिए कम है, बहुत कम एरिया है, इधर का एरिया बहुत ज्यादा है, तो पानी जब यहाँ आता है तो दबने लगता है। क्यों, क्योंकि एरिया कम होता जाता है और आपका ब्लेड है छोटा होता जाता है, जब छोटा होता है तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो आपका ये पानी दबेगा, दबेगा तो उसका दाब बढ़ेगा और वही दाब बढ़ने की वजह से यहाँ पानी निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है और इधर का प्रेशर थोड़ा कम रहता है तो पानी आराम से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इसका एनिमेशन से हम समझेंगे कल दोबारा। इसमें क्या क्या होता है, एक तो प्रवेश होगा जहाँ से पानी प्रवेश करेगा, दूसरा होगा निकास जहाँ से पानी निकलेगा, एक वेन होगा, वेन मतलब ब्लेड, जैसे पंखे में ब्लेड लगा होता है वैसे ही कह सकते हैं, लेकिन ब्लेड ऐसा होता है जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, छोटा और बड़ा होता रहता है, अगर इधर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, इधर आएगा तो ब्लेड छोटा हो जाएगा अपने आप, उसमें स्प्रिंग लगा होता है। एक होता है आवरण जिसे केसिंग कहते हैं, बाहर की तरफ पंप एक आवरण रहता है, और यह एक डिस्क होता है जो सपोर्ट करता है इसको चलने का। यह पहला प्रकार का घूर्णी पंप था, घूर्णी पंप का पहला प्रकार था वेन पंप। इसके बाद हमारे सिलेबस में है दूसरा घूर्णी प्रकार का पंप, देखिए इसका फिगर देख लीजिए, रोटरी वेन पंप का यह फिगर है आपके रोटरी वेन पंप का, छोटा कर दे रहे हैं, देखिए यह है एक आपका रोटरी वेन पंप, इसमें देखिए ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड है,
इधर से पानी प्रवेश करेगा, हरा मतलब ये कम प्रेशर पर पानी है, इधर से प्रवेश करेगा और इधर जैसे जैसे जाएगा उसका दाब बढ़ते जाएगा, इधर से उच्च दाब पर पानी निकल जाएगा। पानी की जगह कोई और भी द्रव हो सकता है लेकिन हम जनरली पानी की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जाएगा उसका धीरे धीरे दाब बढ़ता जाएगा, इधर से निकल जाएगा। रोटरी विंड पंप था। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार गियर पंप। गियर पंप आपके सामने दिख रहा होगा, यह भी एक प्रकार का घूर्णी पंप ही है, यानी रोटरी पंप है गियर पंप। आप लोग अटेंडेंस भेज दीजिएगा। गियर पंप में क्या होता है, गियर लगे होते हैं, ठीक गियर लगे हुए हैं यहाँ, और यह भी किस प्रकार का, यह भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ रहा है तो उसमें क्या था, एक था रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा था क्या घूड़ी, घूड़ी में ही गियर पंप है। गियर पंप अगर एग्जाम में आया कि गियर पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या दूसरा कुछ है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव।